हमारे मामा जी जो दिल्ली से आए हैं और इनसे बात करते हैं अभी थोड़ा सा इनके बारे में। ये आरएसएस के एक्टिव मेंबर है तो थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। चलिएगा ठीक है। तो मामा जी आप आरएसएस ज्वाइन किए हुए हैं काफी दिन से, आप एक्टिव मेंबर हैं, शाखा भी लगाते हैं, तो आरएसएस के बारे में कुछ बताइए, कैसा लगता है आपको? सभी को राम राम। और हम आरएसएस के एक स्वयं सेवक हैं, एक्टिव स्वयं सेवक जिसे कहा जाता है वो हम हैं और आरएसएस की शाखा लगाते हैं। सभी को मैं यही कहता हूँ कि आप एक बार आरएसएस की शाखा जाइए, ज्वाइन कीजिए, फिर देखिए कि आरएसएस क्या सिखाती है। लोग कई लोग कहते हैं समाज में कि आरएसएस बहुत माइंड डाइवर्ट करती है, देश के बारे में गलत सिखाती है, आतंकवादी बनाती है, लेकिन एक बार शाखा जाने के बाद ही पता लगेगा कि आरएसएस क्या सिखाती है। एक अपनी संस्कार सिखाती है, संस्कृति के बारे में सिखाती है, देश के बारे में सिखाती है और सभी को एक अच्छा विचार देती है। शाखा में जाने के बाद आपको पता लगेगा। मैं तो कहता हूं कि पूरे देश के एक घर से हर एक नौजवान को आरएसएस ज्वाइन करना चाहिए और उसमें जाना चाहिए। मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों सुबह होता है शाखा में जाने, और देश में अच्छा काम करने के लिए आरएसएस जानी जाती है। कोई भी आपदा आए, कोई भी कुछ हो देश में, तो आरएसएस सर्वप्रथम वहां पहुंचती है और लोगों की सेवा में विश्वास रखती है। कितने साल से शाखा चला रहे हैं आप? हम शाखा 2019 से चला रहे हैं। तो सुबह सुबह शाखा में जाते हैं तो क्या करते हैं, सुबह सुबह क्या होता है? सुबह सुबह हमारी शाखा में जाते हैं तो सुबह सुबह शाखा में हम 5:30 बजे पहुंच जाते हैं, 6 बजे से शाखा लगती है। उसमें होता है शारीरिक योग कराते हैं, उसके बाद संगीत होता है, देश का संगीत होता है, राष्ट्रीय गीत होता है, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, फिर लोगों से बात करते हैं, लोगों को अच्छी बातें बताते हैं जो शाखा में आई है, और उनको कोशिश करते हैं वो शाखा में आए और देश के प्रति काम करें।